हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल इंग्लिश विद शिवा सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को तो so सबसे पहले हमारा लिटरेरी टर्म है अफेक्टिव फैलेसी फैलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है तो so क्या होता है अफेक्टिव फैलेसी देखते हैं अफेक्टिव फैलिसी इज ए टर्म फ्रॉम लिटरेरी क्रिटिसिजम यूज़ टू रेफर टू द सपोज एरर ऑफ जजिंग और इवेलुएटिंग अ टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इमोशनल इफेक्ट्स ऑन अ रीडर जो इफेक्टिव फैलिसी है वो एक टर्म है जो हमें ये बताता है कि कई बार जो रीडर होते हैं वो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इमोशनल बेसिस पे आके किसी भी वर्क को इवेलुएट कर देते हैं और जो उस एवेल्यूशन में मिस्टेक होती है उसको ही हम इफेक्टिव फैलिसी कहते हैं द टर्म वॉज कॉइंट बाय डब्ल्यू के विम्सट एंड मुंडरे बियर्ड्सले इन नाइनटीन फोर्टी नाइन एज ए प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म विच इज़ ऑफन पेयर्ड विद देयर स्टडी ऑफ द इंटेंशनल फेलिसी है ना इस टर्म को किसने कॉइन किया था डब्ल्यू के विम्सट एंड मुंडरे बियर्ड्सले ने अब नाइनटीन फोर्टी नाइन में एज ए प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिजम है ना न्यू क्रिटिसिज्म में एज ए प्रिंसिपल के रूप में इसको कॉइन किया था इसको यूज़ किया था तो नेक्स्ट हमारा टर्म है एल्यूजन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एल्यूजन्स आर जर्नली रिगार्डेड एज ब्रीफ बट पर्पजफुल रेफरेंसेज विद इन अ लिटरेरी टेक्स्ट टू अ पर्सन प्लेस इवेंट और टू अनदर वर्क ऑफ लिटरेचर जो एल्यूजनस होते हैं जर्नली ब्रीफ होते हैं पर्पजफुल रेफरेंसेज होते हैं जो किसी भी लिटरेचर के वर्क में या किसी भी टेक्स्ट में किसी पर्सन से संबंधित हो सकते हैं किसी प्लेस से संबंधित हो सकते हैं या किसी भी इवेंट से संबंधित हो सकते हैं ये हमारे हिस्टोरिकल एल्यूजन्स uh, भी हो सकते हैं माइथोलॉजिकल uh, एल्यूजन भी हो सकते हैं और रिलीजियस एल्यूजन्स भी हो सकते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है एनेक्रोनिज़म एनेक्रोनिज़म एन एनेक्रोनिज़म इज़ अ पर्सन और अ थिंग प्लेसड इन द रोंग टाइम पीरियड है ना एनेक्रोनिज्म क्या है जब हम किसी पर्सन या किसी वस्तु को गलत समय पे प्लेस कर देते हैं यूज़ कर देते हैं तो वो हमारा एनेक्रोनिज्म होता है फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर इंस्टेंस इफ़ अ नोवल सेट इन मिडीवल इंग्रैंड फीचर्ड डे ट्रिप टू अटर दैट वुड बी एन एनेक्रोनिज़म कह रहे हैं कि कोई नॉवल क्या है उसकी सेटिंग तो सेट तो कहाँ पे किया गया है मिडीवल इंग्लैंड में लेकिन हमने उसको कैसे फीचर कर दिया मूवी थिएटर के रूप में उसको एक ट्रिप के रूप में हमने उसको बता दिया है तो हमें बताना तो चाहिए था कि मिडीवल इंग्लैंड का नॉवल है लेकिन हमने ट्रिप टू अ मूवी थिएटर के द्वारा उसको प्रेजेंट कर दिया तो ये क्या हो गया मिसप्लेसड हो गया तो इसलिए रॉन्ग हमने टाइम पीरियड के दौरान रॉन्ग टाइम पीरियड की चीज़ों को शो कर दिया इसलिए किसका एग्जाम्पल हुआ एन एनेक्रोनिज्म का एग्जाम्पल हुआ नेक्स्ट हम देखते हैं एलेक्जेंड्राइन आई थिंक ये तो आप सब लोगों को पता होगा एलेक्जेंड्राइन क्या होता है फिर भी चलिए देखते हैं इट इज़ अ लाइन ऑफ वर्स दैट हैज सिक्स आइम्बिक फीट और ट्वेल्थ लेबल आइएबिक लाइन्स ये क्या होती है एक लाइन होती है जिसपे हमारे क्या होते हैं ट्वेंबल होते हैं जो आएम्बिक फीट सिक्स आएम्बिक फीट से मिलकर बने होते हैं यानी कि सिक्स आई एम्बिक फीट इज इक्वल टू ट्वेल्थ लेबल इसका एग्जाम्पल देखते हैं इन इंग्लिश आर ट्वेल्थ लेबल आइएम्बिक लाइन अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रेंच हीरोइक वर्ड ये फ्रेंच हीरोइक वर्स से अडॉप्ट की गई है द लास्ट लाइन ऑफ ईस्ट ईस्टेंजा इन टॉमस हार्डीज द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्विन एंड परसी बशे शैलिस तो टॉमस हार्डी की जो फॉर्म है द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्विन इसलिए भी किसका एग्जाम्पल है इसमें भी हम पाते हैं अलेक्जेंड्राइन को और पर्सी शैली की टूअल्थ स्काईलार्क है वो भी अलेक्जेंड्राइन का एग्जाम्पल है नेक्स्ट हम देखते हैं एनाकोल्यूथन ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है एन एनाकोल्यूथन फ्रॉम द ग्रीक एनाकोल्यूथन एन एनमीस यहाँ पे है हमारा नोट एन एक्स मतलब है फॉलोइंग इज़ एन अनएक्सपेक्टेड डिसकॉन्टीन इन द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ विद इन ए सेंटेंस लीडिंग टू अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन विच देर इज लॉजिकल इनकोरेंस ऑफ ना किसी भी सेंटेंस में जब डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाती है आइडिया के एक्सप्रेशन में डिसकॉन्टिनिटी आ जाती है या वर्ड्स का हेयर फेयर हो जाता है जिससे क्या होता है उसका जो सेंटेंस का जो हमारा सेंस निकलना था वो आगे पीछे हो जाता है जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं एनाकोल्यूथन कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यू रियली ऑट वेल डू इट योर ओन वे देखो सेंटेंस की जो सेलेक्शन और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वो आगे पीछे किया गया है तो इससे सेंटेंस में क्या हमें लॉजिकलिटी भी कम लग रही है तो इस तरह की सिचुएशन जब हम कहीं पाते हैं तो वो क्या होता है हमारा एनाकल्यूथन होता है नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट लिटेरी टर्म एना डिप्लॉसिस यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है यू जी सी नैट टी जी टी पी जी टी में भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में कई बार पूछा गया है तो देखते हैं क्या है ये हमारा एना इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ द फाइनल वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस और लाइन एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट इट इज़ दैट द वर्ड्स शुड बी इन द बिगनिंग और नियर द बिगनिंग ये क्या होता है रिपीटेशन एक सेंटेंस में जो फाइनल वर्ड होता है उसका रिपीटेशन होगा किस पे नेक्स्ट लाइन की या तो बिगनिंग में होगा या उसके आस पास ही होगा तो जब हम किसी सेंटेंस में ये सारी चीज़ों को पाते हैं तो वो हमारा क्या होता है एना डिप्लोसिस होता है तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम एग्ज़ाम्पल है इसका वेन आई गिव आई गिव माई सेल्फ देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पे आई गिव फिर हमारा दूसरी सेंटेंस का हमारा वर्ड शुरू हो रहा है आई गिव माई सेल्फ तो जो फर्स्ट सेंटेंस का हमारा लास्ट वर्ड है आई गिव वही हमारा जो दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है उसका बिगनिंग वर्ड है तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वहाँ पे क्या होता है एना डिप्लोसिस होता है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल आई होप यू हैव इंजॉयड द वीडियो हैव नाइस डे